ये जो बेड मैं आपके लिए ला रहा हूँ, ये बेड मैंने आपको पहले भी दिखाया है और पहले भी आपको बहुत पसंद आया है। तो अब मैम दिखाएंगे ये हमारे पास, जो मैम इसका अच्छा सा नाम बता दो। इसका नाम है स्तुतियारे, क्योंकि इसका इसके साथ आप जैसे देख सकते हैं स्टडी टेबल अटैच्ड है जी। तो इसका नाम स्तुतियारे। अच्छा, तो मुझे पता नहीं वैसे इटालियन में इसका मीनिंग क्या होता है, लेकिन ठीक है मैम ने कहा तो वही होता है, मतलब स्टडी कम बेड। ओके गुड। सो देखें, तो ये आपने हैंडल निकाला था, फिर से दिखाओगे आप निकाल के? जी बिल्कुल। ये लॉक था? हां, ये आप लॉक खोलेंगे, ये आपका हैंडल आ गया, ठीक है, देन ये अनलॉक हो गया, ये वायर बेस्ड। ठीक है मैम। अच्छा, ये इधर रेस्ट कर गया? बिल्कुल, जैसे आप देख सकते हैं कुछ भी आप रखेंगे तो वो गिरेगा नहीं, 90 डिग्री में रहता है। बिल्कुल। एक चीज मैं आपको दिखाना चाहता हूँ इधर से, मैम एक मिनट, ये रोकेगा। जो इसका हेड है आप देख सकते हो कुशन में, ये कैसे जा रहे हैं, ये ऐसे बंद हो गया। एक पेंटिंग पोर्ट्रेट के साथ स्पॉट्स लाइट आप लगाना चाहते हो वो भी आप लगा सकते हो, खुलने के बाद बहुत खूबसूरत लगेगा। और आप हेडबोर्ड देख सकते हो, अपने आप अंदर चला जाता है और उसके बाद अपने आप बाहर आ जाता है। एंड मोर ओवर एक चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा कि वहाँ पे जो मैकेनिज्म था वो अलग था और यहाँ पे मैंने जो देखा है वो अलग है। मैम आप देख सकते हो जो मैकेनिज्म है यहाँ पे, ये मुझे बहुत सारी गैस स्प्रिंग दिख रही है। इसमें टोटल 10 गैस स्प्रिंग्स है, 5 ऑन ईच साइड। तो आप जैसे मैम ने बताया कि 10 गैस स्प्रिंग लगी हुई है, एक नहीं दो नहीं 10 गैस स्प्रिंग लगी हुई है, तो मुझे लगता है ये मैम बाकियों से ज्यादा हैवी है। बिल्कुल, ये आपके जितना भी हेवी मैट्रेसेस होता है उसके लिए डिजाइन्ड है। ओके, ये हमने लॉक कर दिया जी। ठीक है, तो ये जो हैवीएस्ट मैट्रेस आपके पास हो सकता है उसके लिए डिजाइंड है। मोर ओवर जो मैम ने नाम बताया था उसके अकॉर्डिंगली इसमें स्टडी इनबिल्ट है जो कहीं भी नहीं जाएगा। आपने जैसे देख लिया था जब ये बेड खुल रहा था तो नीचे का जो भी आपने कुछ रख रखा है, अपने स्टडी पे लैपटॉप रखा है कुछ भी है, कोई भी कहीं नहीं गिरने वाला, आपका कोई लॉस नहीं होने वाला इसमें, सबसे अच्छी बात यह है। मोर ओवर जो मैट्रेस आप चाहते हो, जहाँ पे आपकी रिक्वायरमेंट होती है कि बहुत अच्छा मैट्रेस, वो आप प्लेस कर सकते हो। एंड इवन अंदर जगह जो मिल रही है वो बहुत खूबसूरत मिल रही है, उसके लिए आप पेंटिंग पोर्ट्रेट लगा के उसे बहुत अच्छा महसूस कर सकते हो। एंड मोर ओवर मैम इसके साइड में भी मेरे को दिख रहा है जी, ये कस्टमाइज्ड है जी, ये हमने एक्स्ट्रा करा है डिस्प्ले के लिए। ओके, तो आप चाहे तो बस बेड भी ले सकते हैं, बट अच्छा, जैसे इसमें वो वाला, क्योंकि उसमें तो हमें देना पड़ रहा था क्योंकि उसके जो अपने शटर्स थे वो फोल्ड हो रहे थे दूसरी तरफ, लेकिन इसमें जरूरी नहीं है। अगर आप चाहो तो सिर्फ बेड ले सकते हो, बेड प्लस स्टडी के लिए बहुत अच्छा सॉल्यूशन आपको मिल गया। तो मैम इसका प्राइस मुझे लगता है कि औरों से ज्यादा होगा, तो मुझे आप इसका प्राइस बता दो। ये बेड का कॉस्ट जो है आपका 90,000 है। बेड का कॉस्ट इसके साथ ही ऐसा लग इसके साथ, बट ये जो आपका स्टडी टेबल है ये 11,000 एक्स्ट्रा है। अच्छा, ये आपको मिलेगा, मतलब हम लोगों को मिलेगा बेड में, लेकिन ये जो है ये एक्स्ट्रा। ठीक है, मान लीजिए अगर ये नहीं होता है और मेरे को बेड खोलना है तो खुल जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल, नहीं कोई इशू नहीं है। तो बेड मिल जाएगा आपको 98,000 राइट 98,000 में, और इसके लिए आपको 11,000 अलग से पे करने हैं। तो ये जो बेड है इसकी कॉस्ट आप सोच रहे हो कि ज़्यादा है, क्योंकि उसका रीज़न भी है। एक तो मैंने आपको 10 गैस स्प्रिंग दिखाई, ठीक है, वो अपने आप में वर्थ है। जब आप हैवीएस्ट मैट्रेस लाओगे तो वो भी बहुत ईजिली उठ जाएगा, और जो मैकेनिज्म है वो औरों से कई गुना बेहतर है, तो इसलिए आपको वरी करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप चीज़ ले रहे हो तो उसमें जो उसकी मैकेनिज्म है वो मेन होती है, तो उसकी वजह से ये प्राइसिंग भी थोड़ा ज़्यादा है। और लॉक मैकेनिज्म मुझे बहुत अच्छा लगा कि जो यहाँ पे आपका हल्का सा हिडन भी रहेगा और देखने में भी बहुत अच्छा है, हैंडल भी आ जाता है, तो हैंडल से आप निकाल के तुरंत उसको यूज़ कर सकते हो, वापस लॉक कर सकते हो। तो ये बेड था हमारा सबसे, मैं ये नहीं कह सकता सबसे अच्छा, क्योंकि हमारे पास और भी अच्छी अच्छी चीज़ें अभी आने वाली हैं। तो इसके बाद क्या दिखाने वाले हो मैम? इसके बाद हमारे पास और दो इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट्स हैं। इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है? बिल्कुल बिल्कुल, आपको बिल्कुल इंटरेस्टिंग लगेगा, एंड जो कि मेरी कलीग आशी दिखाएंगी। अच्छा, वो दिखाएंगी। तो मैम थोड़ा सा बिजी है, दूसरी मैम ज्वाइन करने वाली है 5 मिनट के लिए। बच्चा आ गया, मुझे लगा था ये आगे की तरफ खुलेगा, लेकिन क्या बात है। दिस इज सलीरे। सलीरे सोफा का बंक बेड। ओके, तो इसका नाम है सलीरे,
जो कि मुझे लगा था अभी पता नहीं मैम क्या इसको खोल के कर दी, और इतना कुछ खोल दिया मेरे तो समझ में भी नहीं आ रहा मैम ये बंक बेड है राइट? ये बंक बेड है बेसिकली, एक्चुअली ये ट्रेडिशनल बंक बेड नहीं है, ये क्या होता है जब मास्टर बेडरूम में एक्स्ट्रा सोफा या काउच रखना होता है किसी को जी, बट होता है कि अपने बच्चे को साथ में सुलाना है, छोटे बच्चे होते हैं तो सेम रूम में इस यूनिट को रखते हैं कि वो रखा और साथ में जब जरूरत है या इसी का खर्चा बचाना है दूसरे रूम में बच्चों का तो सेम रूम में ही एक एक्स्ट्रा बेड रखते हैं, तो सोफा कभी भी बेड बना सकते। बिल्कुल, मुझे तो आज तक आराम से सो सकते हैं, इनफैक्ट दो एडल्ट्स भी सो सकते हैं। मैम बहुत बच्चे सो जाएंगे क्योंकि मुझे आज तक यही लगा था कि सोफा कम बेड हो सकता है तो उतना ही हो सकता है, उसे बाहर निकालेंगे और वो हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो ऊपर एक बेड बन गया, नीचे एक बेड बन गया, स्टेयर्स हो गई जाने के लिए, एंड मोर ओवर आप देख रहे हो कि मतलब इतना कुछ मैंने सोचा नहीं था, ये बिल्कुल सॉलिड फिटिंग है मेटल की, ये अभी लॉक है नहीं, मैं तो बस अच्छा ये लॉक है, मैं स्ट्रेंथ देख रहा था क्योंकि बिल्कुल मेटल का लग रहा था मुझे, ऐसा नहीं लग रहा था कुछ भी हल्का है कोई बैठेगा या फिर वो, तो मैम आप बैठ के दिखा सकते हो क्या मेरे को? हाँ बिल्कुल मैं दिखा सकती हूँ। कोई नहीं, बस आप स्टार्टिंग में बैठ जाइएगा। ठीक है, तो मैम बैठ चुकी है, मुझे तो लग रहा है कि मैम सोना जाए थोड़ी देर में। नहीं नहीं आप आ जाइए, थैंक यू। तो ये जो चीज़ थी ये तो बिल्कुल करिश्माई चीज़ थी, बिल्कुल ये मानिए कि एक्सपेक्टेड ही नहीं था, मोर देन एक्सपेक्टेड हो गया यहाँ पे। मैम ने पहले ऐसे खोला फिर ऐसे खोला और एकदम से दो बंद बेड बना दिया यहाँ पे, तो बहुत अच्छा सा लग रहा है, लेकिन मैम प्राइस में भी आप बता दो कि कितना अच्छा है। ये डिपेंड करता है कस्टमाइजेशन पे कि कौन सा फैब्रिक चूज करते हैं, जनरली इससे स्टार्टिंग प्राइस जो होता है वो 70,000 से स्टार्ट। अभी जो हमारे तो पास है, अगर आप इसको एज इट इज लेते हैं सेम डिजाइन सेम फैब्रिक सब कुछ, तो ये 70,000 का है। तो गाइस 70,000 में मुझे नहीं लगता है एक बुरी डील है, बट 70,000 में आप में इसमें दो मैट्रेस है, मतलब दो बेड का आपका काम। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे नहीं लगता कि बुरी डील है क्योंकि आपको बंक बेड मिल जाता है, सेम टाइम पे आपको सोफा मिल रहा है, और कभी आप जैसे बच्चे को इंटरेस्ट होता है तो बच्चे के रूम में भी रख सकते हैं, उसको खेलने के लिए स्पेस चाहिए होता है तो इसे बंद कर दीजिए वो आराम से खेल सकता है, वहीं पे सोना है तो उसे खोल के बंक बेड बना लीजिए। तो मुझे लगता है कि वर्थफुल है क्योंकि ऐसा प्रोडक्ट आपने कहीं नहीं देखा होगा यहाँ पे पूरी वीडियो में और किसी और वीडियो में, मुझे ऐसा लगता है। तो मैम ये तो बहुत इंटरेस्टिंग था, जो मैम की बात थी आपने अंकिता मैम की वो सच कर दी कि बहुत ही इंटरेस्टिंग था, तो मुझे बड़ा पसंद आया। आप कमेंट करके बता देना कि कैसा लगा। अच्छा अच्छा ये देखो आपके ये लॉक ओपन करेंगे ओके तभी ये जाएगा, अदरवाइज आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है कि बच्चे ऊपर चढ़ रहे हैं तो ये बंद हो जाएगा अपने आप, ऐसा कुछ नहीं है, प्रॉपर लॉकेबल मैकेनिज्म है इसका। बहुत बढ़िया। इसके बाद मैम एक आखिरी इंटरेस्टिंग चीज बच गई। और ये टेबल है, इसमें आप कभी भी कुछ अच्छा भी वर्क कर रहे हैं, राइट राइट, कुछ खा रहे हैं, हाँ, तो आपको बैंड होने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, कॉफी टेबल जनरली लो हाइट होते हैं। जी जी जी, तो आप अपने हाइट के अकॉर्डिंग। तो ये कॉफी टेबल है जो मल्टीपर्पज है, ये हम आपको पहले भी दिखा चुके हैं, लेकिन यहाँ पे जो स्पैन है काफी अच्छा लंबा है और कस्टमाइजेबल है। हाँ आप अपने अकॉर्डिंगली कस्टमाइज करा सकते हो, प्रोडक्ट भी अपने हिसाब से चूज कर सकते हो, लैमिनेट भी, वो सब आप कर सकते हो। यहाँ पे आपको उस चीज का पूरा पूरा रेंज है, पूरा पूरा आपको फैसिलिटी मिल जाएगी।